नाउ आज के आर्टिकल में एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमको यहाँ पे देखने को मिलता है जहाँ पे चाइना इंडिया यूएस एक्सरसाइज को रोकने की बात करता है और यूएस से कहता है कि आप इंडिया और चाइना के जो भी रिलेशंस हैं उनमें इंटरफेयर ना करें। बट ऐसा कुछ यूएसए या फिर इंडिया ने कुछ भी नहीं किया। उत्तराखंड में एक एक्सरसाइज हो रही है जो कि 100 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। ओवरऑल चाइना हमेशा बात करता रहता है कि वो उत्तराखंड जैसे एरियाज़ को और जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ हैं, अरुणाचल प्रदेश, तो इन सब जगहों पे चाइना जो है अपना कब्जा चाहता है। तो इन्हीं सब मतलब कि जब वहाँ पे जॉइंट एक्सरसाइज हो जाएगी, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो जाएगी, तो फिर चाइना के लिए वो एरिया क्लेम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब कोई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो वो पर्टिकुलर उस कंट्री के अंदर होती है। और जब उत्तराखंड में 100 किलोमीटर दूर जो है बॉर्डर से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 100 किलोमीटर की दूरी पे कोई एक्सरसाइज होगी, तो वो फिर एक मान ली जाएगी कि हाँ ये इंडिया की टेरिटरी है, और फिर चाइना उसको क्लेम करने के लिए उतना ज़्यादा मतलब एक है ना कि बहुत ज़्यादा अथॉरिटी से बोलता है कि ये जगह मेरी है, तो वो फिर नहीं बोल पाएगा। तो इसी पे चाइना ने थोड़ा सा अपना एंगर शो किया है। नाउ इस एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है युद्ध अभ्यास, जो कि इंडिया यूएस की मिलिट्री एक्सरसाइज है और उत्तराखंड में ये हो रही है 100 किलोमीटर दूर ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस आर्टिकल में इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमको देखने को मिलता है जहाँ पे कैबिनेट अलाउज बिल टू रिमूव गवर्नर एज चांसलर। अभी कल हम लोगों ने देखा था कि गवर्नर जो है वाइस चांसलर को जो है अपॉइंट कर सकता है, तो ऐसा हाईकोर्ट का, केरला हाईकोर्ट का जजमेंट आया था। नाउ इस आर्टिकल में जो है कैबिनेट जो है केरला के, जो कि केरला में जो कैबिनेट है उसने एक बिल को अलाउ कर दिया है जिसमें गवर्नर को चांसलर की पोस्ट से हटाया जा सकता है। अब वहाँ के जो कैबिनेट है वो गवर्नर को चांसलर की पोस्ट से हटा सकती है या नहीं, ये सारी चीज़ें भी आगे डिस्कस होती रहेंगी। महीने, 2-3 महीने से, 4-5 महीने से ये इशू हमेशा चलता चला आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा और हमेशा रोज़ इस पर न्यूज़ मिलेगी। ऑलरेडी मैंने गवर्नर के टॉपिक को काफ़ी डिटेल में पहले ही कवर कर लिया, तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप पुराने वीडियोज़ जाके चेक कर सकते हो, और गवर्नर पर अलग से वीडियो भी बना हुआ है। नाउ एक एडिटोरियल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है, और यहाँ पर जो है माल न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करी गई है। तो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें तो सारी चीज़ें एक साथ लिखी हुई है, तो मैं अलग से उसको नोट कर रखा हूँ, तो वहाँ से हम लोग उसको पढ़ते हैं। नाउ ये जो माल न्यूट्रिशन का मतलब ये जो एडिटोरियल है, इसमें NFHS मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th की रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि हर 2 में से 1 वोमेन जो है इंडिया की वो एनेमिक है, मतलब एनीमिया है उन्हें, मतलब कि ब्लड में आयरन की कमी होना। हर थर्ड चाइल्ड जो है वो स्टंटेड है और माल नरिश्ड है। अभी हम पढ़ेंगे कि स्टंटेड का मतलब क्या होता है, माल नरिश्ड का मतलब क्या होता है, और हर 5वां चाइल्ड जो है वो वेस्टेड है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ माल न्यूट्रिशन जो है इसमें 4 तरह के डेफिशिएंसीज आती हैं। पहला हो गया वेस्टिंग, दूसरा स्टंटिंग, तीसरा अंडरवेट, चौथा डेफिशिएंसी इन विटामिन एंड मिनरल्स। चौथा तो आप लोग इजिली समझ सक रहे होंगे कि डेफिशिएंसी इन विटामिन एंड मिनरल्स क्या होते हैं। बट वेस्टिंग क्या है? वेस्टिंग का मतलब है लेस वेट फॉर हाइट, मतलब कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट का कम होना, मतलब लोग लंबे हैं बट उनका वेट कम है तो उसे वेस्टिंग बोला जाएगा। स्टंटिंग का मतलब होता है लो हाइट फॉर एज, मतलब कि एज के लिए कम हाइट होना, जैसे कि किसी की एज हो गई है बट उसकी हाइट बहुत कम रह गई तो स्टंटिंग उसे कहते हैं। और अंडरवेट मतलब लो वेट फॉर एज, मतलब एज के हिसाब से आपका वेट कम होना, उसे अंडरवेट कहा जाता है। इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं माल न्यूट्रिशन से लड़ने के? तो मतलब कि सबसे बेटर सॉल्यूशन है गवर्नमेंट की तरफ से फूड फोर्टिफिकेशन करना, मतलब कि फूड में न्यूट्रिएंट्स को मिक्स कर देना, जैसे क्या क्या किया जा चुका है। राइस एंड वीट में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 को मिलाया जा चुका है। साथ ही साथ सॉल्ट मतलब नमक में आयरन और आयोडीन को भी मिलाया जा चुका है, जिससे फूड फोर्टिफिकेशन बोला गया है। डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इसको पहले ही अप्लाई कर लिया, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया इसको अभी भी अप्लाई करने में लगी हुई हैं। लेकिन बुरी बात यह है कि इंडिया की जो रैंक है वो अभी भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो अभी भी काफ़ी ख़राब चल रही है। तो उसी में एक रिपोर्ट आई, FAO की रिपोर्ट है, फूड सिक्योरिटी की तरफ से रिपोर्ट है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट 2021 में। ये बताया गया कि इंडिया की जो रैंक है वो 101 है आउट ऑफ 116,
मतलब आप देख सकते हैं कि कितनी खराब रैंक है इंडिया की, 116 कंट्री में से मतलब एकदम पीछे की कंट्रीज में इंडिया आता है इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में। इन ये जो हंगर मतलब कि इंडिया में जो लोग हैं उसमें से 15.3% पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है, और सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो स्टंटेड चिल्ड्रन हैं। स्टंटेड अभी हमने डिस्कस किया था, स्टंटेड क्या होते हैं। स्टंटेड मतलब लो हाइट फॉर एज, मतलब लोगों की हाइट कम है एज के हिसाब से, वो 30% पाए जाते हैं। 17.3% पॉपुलेशन जो है वेस्टेड चिल्ड्रन की। वेस्टेड क्या होते हैं, मतलब लेस वेट फॉर हाइट, मतलब हाइट के हिसाब से वेट कम होना, वो 17.3% पॉपुलेशन। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जितनी माल न्यूट्रिशन की डिफिशियंसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं। इसके बाद आता है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2021। इसमें बताया गया कि स्टंटिंग इन चिल्ड्रन ऑफ इंडिया हायर देन एशियन एवरेज ऑफ 21.8%। मतलब कि 21.8% जो है एशिया का एवरेज, यहाँ का मतलब कि स्टंटिंग रिपोर्ट एवरेज है कि इतने लोग स्टंटेड होते हैं, लेकिन इंडिया उससे भी ज़्यादा स्टंटेड पीपल्स रखा हुआ है 30%। तो फिर ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है, इंडिया को इस पर काफ़ी वर्क करना पड़ेगा, अलग अलग पॉलिसीज़ ला के, फूड फोर्टिफिकेशन को बढ़ा करके, और भी कई पॉलिसीज़ इसकी चल रही हैं जिसको अभी हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि गुजरात में सॉरी महाराष्ट्र में गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इन लोगों ने 58.9% एनीमिक पीपल्स को कम करके 29.5% पे पहुँचाया सिर्फ 2 साल में। किस तरह से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम एंड पीएम पोषण अभियान, इन तीनों स्कीम्स के थ्रू इन लोगों ने अप्लाई किया। कुछ अपनी स्कीम्स भी लगाई होंगी और फिर आगे चल के इसको एनीमिया को काफ़ी कम कर दिया और आने वाले टाइम में और कम कर देंगे। गुजरात में नून मील स्कीम, जिसमें हम लोग मिड डे मील स्कीम जो कह सकते हैं, जिसमें से 6 से 12 साल के बच्चों को फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड किया गया, इससे हेमोग्लोबिन में कंसंट्रेशन बढ़ा और एनीमिया में 10% डिक्रीमेंट देखने को मिला। तो ये कुछ तरीके थे जिस तरीक़ों से मतलब लोगों ने अलग अलग स्टेट ने अपने यहाँ पे फूड फोर्टिफिकेशन किया और एनीमिया और स्टंटिंग जैसी प्रॉब्लम्स को कम करने में काफ़ी वो सक्सेसफुल रहे। इसी तरह से अगर सारे स्टेट्स करते हैं तो एक टाइम आएगा कि इंडिया भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में काफ़ी अच्छी रैंक पे आना शुरू हो जाएगा। नाउ आयरन डिफिशियंसी से क्या क्या दिक्कतें होती हैं। लगभग 3.6% डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, मतलब कि ये डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स क्या होते हैं, मतलब कितने साल बर्बाद हुए डिसेबिलिटी में रहने की वजह से। मतलब किसी को एनीमिया था तो उसकी एनीमिया या किसी बीमारी या फिर किसी भी डिसेबिलिटी से उससे कितना समय, कितना साल बर्बाद हुआ। तो अकॉर्डिंग टू WHO 47 मिलियन ईयर्स लॉस्ट हो चुके हैं इस वजह से, मतलब कि एनीमिया आयरन डिफिशियंसी की वजह से। नीति आयोग एक रिपोर्ट लाती है जिसमें बताती है कि अगर हम मतलब कि नीति आयोग ने राइस फोर्टिफिकेशन बजट लाया है 28,000 करोड़ पर ईयर का, और कह रही है कि अगर इतना हम बजट लेके आते हैं 2,800 करोड़ पर ईयर का, तो ये 35% जो है टोटल ऑफ 16.6 मिलियन DALY पर ईयर को डिक्रीज कर सकता है, बचा सकता है। मतलब कि ये जो इतना ज़्यादा ईयर्स लॉस्ट हो रहे हैं लोगों के, वो साल बच जाएंगे, मतलब लोग जल्दी से रिकवर करके अपने टाइम को बचा लेंगे और उस टाइम में वो कुछ अच्छा काम कर सकते हैं जो वो बीमार रह करके वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें रहीं आज इस आर्टिकल के बारे में जहाँ पे माल न्यूट्रिशन और अंडर नरिशमेंट की बातें करी गई हैं। नेक्स्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है टुवर्ड्स अ रोबस्ट ट्रायम्विरेट। मतलब कि यहाँ पे बात किया गया है कि 5 जजेस की बेंच है सुप्रीम कोर्ट में, वो जो है पिटीशन को एग्जामिन कर रही है कि चीफ इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है वो तेज़ी क्यों हुआ, या फिर चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट किस तरह से होना चाहिए। ये सारी चीज़ें डिस्कस करी जा रही है। ओवरऑल इलेक्शन कमीशन की बात यहाँ पे हो रही है। इलेक्शन कमीशन के जो स्टैटिक पार्ट है उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस आर्टिकल को देख लेते हैं, इस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है कि द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब अपॉइंटमेंट के मैटर को लेकर के दो बहुत बड़े एक चल रहे हैं, मतलब कंसर्न का इशू है। कंसर्न का इशू ये है कि पहला कि अंडर कंसिडरेशन इज वेदर इलेक्शन कमिश्नर शुड बी सेलेक्टेड बाय एग्जीक्यूटिव और बाय कलीजियम। मतलब कि इनका कहना है, जैसे अभी क्या होता है
कि जो इलेक्शन कमीशन है वही इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन ये है कि क्या इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट होने चाहिए, किसी एक पर्सन के द्वारा एग्जीक्यूटिव, या फिर उसे कॉलेजियम अपॉइंट करना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन चलता चला आ रहा है, और ये कोई कॉलेजियम का जो आइडिया है ये नया आइडिया नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है। 1990 में ही सजेस्ट किया गया था दिनेश गोस्वामी कमेटी के द्वारा कि देर शुड बी अ कॉलेजियम, और मतलब अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट के द्वारा होगी लेकिन कंसल्ट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ द अपोजिशन से कंसल्टेशन होगी। तो ये बहुत ही पुराना आइडिया, और कहा जा रहा है कि इस जो डिसीजन होगा इसके पीछे एक स्टैट्यूटरी बैकिंग भी होनी चाहिए, मतलब कि जो भी डिसीजन आए उसको प्रॉपरली अप्लाई किया जाएगा। इट अप्लाइड द सेम क्राइटेरिया टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स अलॉन्ग विद कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और मतलब कि वही चीज़ है, कहा जा रहा है कि जो स्टैट्यूटरी बैकिंग्स वगैरह हैं वो इलेक्शन कमिश्नर को भी प्रोवाइड होनी चाहिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी दी जानी चाहिए। मतलब कि ये जो 255th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन है, इन्होंने जो कि जस्टिस एपी शाह के द्वारा हेड की गई थी, चेयर की गई थी, इसमें इन्होंने बोला कि अपॉइंटमेंट जो होना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर का वो कि वो प्रेसिडेंट के द्वारा तो होता ही है, लेकिन कंसल्ट किससे करना चाहिए, 3 मेंबर के कॉलेजियम से करना चाहिए जहां प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के, और साथ ही साथ जो लार्जेस्ट मतलब कि अपोजिशन पार्टी के जो लीडर होंगे वो, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब 3 लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन पार्टी के लीडर और CGI, ये 3 लोग जो है वो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे, यहाँ पे सजेस्ट किया गया। और दूसरा कंसर्न ये चल रहा है, दूसरा कंसर्न ये है कि द सेकेंड इशू इज टू अफोर्ड द सेम सिक्योरिटी फॉर आर्बिट्रेरी रिमूवल टू इलेक्शन कमिश्नर, मतलब कि इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल है वो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर बोल दे तो इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है, मतलब बाकी सारी चीज़ें सेम है, उनका टर्म वगैरह सेम है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है टेन्योर की। ऐसा टेन्योर तो 6 साल का होता है और 65 ईयर्स तक इन लोग मतलब कोई इलेक्शन कमिश्नर बन के रह सकता है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन के रह सकता है, लेकिन और पावर्स भी सबकी सेम होती है, ऐसा नहीं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बोलेगा वही होगा। यहाँ पे क्या होता है, सबको बराबर पावर दी गई है, वोटिंग है होती है, अगर कहीं पे कोई भी ऐसा फंस जाते हैं लोग डिसाइड करने में तो वोट किया जाता है, जिधर साइड ज़्यादा लोगों ने मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स ने या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोला वो डिसीजन लिया जाता है। लेकिन टेन्योर जो है वह फिक्स नहीं है इलेक्शन कमिश्नर्स का, उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका टेन्योर फिक्स किया गया है, और उनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जज को जैसे हटाया जाता है वैसे ही इनको भी हटाया जाएगा, मतलब ये प्रोसीजर पूरा प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों हाउसेस से सलाह लेनी पड़ेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनको प्रेसिडेंट के कहते हैं ना कि प्रेसिडेंट के विश पे हटा दिया जा सकता है, तो इनको प्रेसिडेंट के विश पे नहीं हटाया जा सकता, क्यों, क्योंकि इनको हटाने के लिए दोनों हाउसेस से एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। तो ये चाहते हैं कि ये सिक्योरिटी जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको भी मिल जाए, इससे क्या होगा कि जो डिसीजन होगा उसमें कोई ऐसा नहीं, देखो अभी क्या है इलेक्शन कमिश्नर डरेगा कि यार मैं हटा ना दिया जाऊं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कह रहा है उसी की बात मान लेते हैं, ऐसा सोचेगा, लेकिन जब सबको एकदम प्रॉपर फुल सिक्योरिटी दी जाएगी टेन्योर की, हाँ 6 साल रहना ही रहना है, तो सब इंडिपेंडेंटली काम करेंगे बिना किसी के दबाव में आए, तो ये थोड़ा सा और हमारे इलेक्शंस को और बढ़िया बना देगा, डेमोक्रेटिक बना देगा, ये कहा जा रहा है। अब देख लेते हैं स्टैटिक पार्ट क्या है इसके पीछे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में पावर दी गई है, पावर ऑफ डायरेक्शन सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, मतलब इलेक्शन को कंट्रोल करना, सुपरिटेंडेंस करना, डायरेक्ट करना, किसके इलेक्शन, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, लेकिन म्यूनिसपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन ये नहीं करा सकते, ये म्यूनिसपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बना हुआ है, ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कैसे कैसे हुआ अपॉइंटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो 1950 से 1989 तक ये 1 मेंबर बॉडी थी, इसमें एक ही लोग थे, मतलब एक लौता चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। 1989 में वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया, 21 से 18 किया गया, तो 2 इलेक्शन कमिश्नर को बढ़ा दिया गया। 1990 में फिर से 2 इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करके इसको 1 मेंबर बॉडी बना दिया।
फिर 1993 में फाइनली 1993 से अभी तक इसमें और ज़्यादा इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और ये मल्टी मेंबर बॉडी बन के वर्क कर रहा है। अब यहाँ की सारी बातें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि किसको रिमूव किया जा सकता है, किसको कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। बस ये है कि यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ पावर होती हैं इलेक्शन कमिश्नर के पास, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडवाइजरी पावर और कासी जुडिशियल पावर होती है। वो हम इलेक्शन कमिश्नर के अलग से आर्टिकल में डिस्कस कर लेंगे इन पावर्स के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमें देखने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट वरीड ओवर इफेक्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ऑन लाइवलीहुड ऑफ वुमेन फार्म लेबरर्स। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा चिंता में है कि वुमेन्स का क्या होगा जब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंट्रोड्यूस कर दी जाएंगी फार्म्स में, है ना, मतलब कि एग्रीकल्चर में। तो मतलब यहाँ पे ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को लेकर ये बहुत ज़्यादा वो नहीं, लेकिन हाँ वुमेन के लाइवलीहुड पे ज़्यादा फोकस किया गया है इस आर्टिकल में। लेकिन हम हाँ वो तो कंसर्न का इशू है, लेकिन जीएम क्रॉप्स क्या होती है हम इस पे बात करेंगे। वुमेन का लाइवलीहुड क्यों ख़राब होगा, क्योंकि अभी हम बताते हैं आगे आर्टिकल में। देखिए जीएम क्रॉप्स क्या होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, नाम से ही समझ में आ रहा है कि उनके जीन्स के साथ छेड़छाड़ करी गई हो ऐसी क्रॉप, ठीक है। तो कई तरीके से जीन्स में छेड़छाड़ करी जाती है, जैसे एक होती है ट्रांसजेनिक, जिसमें प्लांट हैव जीन्स इंसर्टेड इनटू देम ऑफ अदर स्पेशीज, मतलब किसी और स्पेशीज़ के जीन्स को उन प्लांट्स में इंसर्ट कर दिया जाता है, तो एक उसे ट्रांसजेनिक बोलते हैं। सिसजेनिक में क्या होता है, प्लांट्स मेड यूजिंग जीन्स ऑफ सम स्पेशीज, सेम स्पेशीज, मतलब कि सेम स्पेशीज़ के प्लांट के जीन्स को यूज़ करके हम एक नया प्लांट बनाते हैं। और सब जेनिक जेनेरिक क्या होता है, सब जेनेरिक का मतलब होता है चेंज या अल्टर जेनेटिक मेकअप ऑफ प्लांट विदाउट इन्वॉल्विंग द अदर स्पेशीज, मतलब अदर जीन, मतलब कि हम एक प्लांट के जीन को लेते हैं, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस लाते हैं और फिर उसको ग्रो करते हैं टिश्यू बना के, फिर उसके बाद आगे ग्रो होने देते हैं पूरा लैब में, फिर वो ग्रो होते हैं तो फिर वो एक प्लांट बनते हैं और वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं मेन प्लांट से। तो ये तीन तरह के होते हैं, एक में अदर स्पेशीज आती हैं, एक में सेम स्पेशीज रहती हैं, और तीसरे में उसी जीन को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट मतलब चेंज कर दिया जाता है। तो ये तो मैंने बताया कि किस तरह से लोग जेनेटिकली जेनेटिक मॉडिफाई करते हैं क्रॉप को, लेकिन ये जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है ये क्यों किया गया, जिससे कि क्रॉप जो हो थोड़ी सी बेटर क्वालिटी की आ सकें, ठीक है। तो अभी इसमें एक मेंशन किया गया इस आर्टिकल में एक वर्ड, हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप। तो हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप क्या होती है, ऐसी क्रॉप जो कि टॉलरेट कर लें स्पेसिफिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड, मतलब कि हर्बिसाइड्स को वो टॉलरेट कर लें जो कि सराउंडिंग वीड्स को किल कर देते हैं और लीव्स कल्टिवेटेड क्रॉप इंटैक्ट, मतलब कि जिन क्रॉप को हमें ग्रो करना है वो वहीं रहती हैं, बाकी जो वीड्स होती हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वो अपने आप कट जाते हैं हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स की वजह से। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब वीड्स अपने आप ही कट जाएंगे, मतलब कि देखो इसके लिए अलग से क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। तो स्प्रे करने पे नुकसान ये है कि जो स्प्रे है उसमें केमिकल्स हैं, अब केमिकल क्या होंगे, वो क्रॉप के ऊपर जाके सेटल हो जाएंगे और विद लॉन्ग टाइम वो क्रॉप के अंदर घुस जाएंगे और मतलब कि उनके अंदर चले जाएंगे। अब जब हम लोग उसे खाएंगे तो हमारे पेट में भी जाएंगे, इस तरह से बायो अक्यूमुलेशन होगा, ये केमिकल मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा और एक दिन काफ़ी बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट शो करेगा ह्यूमन लाइफ पे, बट वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे वुमेन्स पे कैसे असर पड़ रहा है, वुमेन्स पे असर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर में वुमेन्स जो होती हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। वुमेन्स क्या करती हैं कि जो वीड्स होती हैं उनको निकालने का काम वुमेन्स का होता है, वुमेन्स इन सब कामों में काफ़ी ज़्यादा मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पार्ट करती हैं, काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं। लेकिन अगर वीड्स को ही हटा दिया गया, वीड्स को इजिली हटा दिया गया, तो वुमेन का जो लाइवलीहुड है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि सीधी सी बात है क्रॉप लगाया अब वीड्स को हटाने की जरूरत नहीं है विद टाइम टाइम, तो क्या होगा क्रॉप लग गई, अब क्रॉप को छोड़ दिया आराम से, छोड़ दिया अब क्रॉप ग्रो हो रही है फिर उसके बाद खत्म। तो जो वुमेन को थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट और पैसे जनरेट हो रहे थे ये वीड हटा करके, है ना, वो चीज़ें खत्म हो गई, तो वीड वुमेन का लाइवलीहुड यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में जान लें कि ये किस किस कंट्री में करी जाती हैं, तो स्पेशली अगर देखा जाए तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे बड़े बड़े फार्म्स होते हैं। इंडिया में
बड़े फार्म्स नहीं होते, इस वजह से यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अप्लाई नहीं करना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए ऑन अ ग्राउंड लेवल। इसको सिर्फ लैब्स में ही टेस्ट करते रहना चाहिए, ऐसा रिपोर्ट्स का बोलना है, ऐसा कई मतलब कि रिसर्चर्स का बोलना है। नाउ टॉप 5 क्रॉप कल्टिवेशन कहाँ होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का, तो USA नंबर 1 है, सेकेंड नंबर पर ब्राज़ील है, अर्जेंटीना, इंडिया और कैनेडा, ये 5 कंट्रीज़ हैं। और इन 5 कंट्रीज़ में अकॉर्डिंग टू एरिया 90% एरिया में, मतलब 90% एरिया ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ये 5 कंट्रीज़ कंटेन करती हैं। नाउ इसके बाद जैसे कि ये तो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, क्यों जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूज़ करना चाहिए। तो पहला रीज़न है हाई यील्ड, इनकी जो यील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि इनकी उपज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल क्रॉप। दूसरा इन्हांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, मतलब इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होते हैं। तीसरा लॉन्गर शेल्फ लाइफ, मतलब कि ये काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, ख़राब नहीं होती है ना। इंक्रीज रेजिस्टेंट टू ड्रॉट, मतलब कि सूखा पड़ने पर भी ये सर्वाइव करती हैं, और इंसेक्ट नहीं लगते इसमें जल्दी, और हर्बिसाइड से भी रेजिस्टेंस होती है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीड्स वगैरह भी नहीं लगते इन सब क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करने से। तो ये अपना फ़ायदे हैं इन क्रॉप्स के। नौ ये क्रॉप में फर्स्ट जनरेशन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है वो क्या किया, उस क्रॉप ने किसको फ़ायदा किया, फार्मर्स को फ़ायदा किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया और वो भी पैसे कम लगे, तो इससे फ़ायदा हुआ फार्मर्स का, क्योंकि हर्बिसाइड टॉलरेंस इनमें हुआ करता था। दूसरा सेकेंड जनरेशन क्रॉप जो होती हैं वो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गई, तो इससे क्या हुआ कि कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि कंज्यूमर को किस जनरेशन क्रॉप से फ़ायदा है, फर्स्ट या सेकेंड, तो सेकेंड जनरेशन क्रॉप से फ़ायदा है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट सीक सेंटर रिस्पॉन्स ऑन इवॉल्विंग अ प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मतलब कि सेंटर से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तो सेंटर क्या कर रही है वो अलग चीज़ है, सेंटर पॉलिसीज़ बनाएगी, बट हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जान लेते हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आता रहता है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम है एरिडोटिस निग्रीसेप्स, ये इसका नाम है। फिलहाल ये किसी को जल्दी याद होता नहीं है, और अगर याद कर ले तो आप तो अच्छी बात है। लेकिन ये IUCN की रेड लिस्ट में कहाँ आती है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में ये प्रोटेक्टेड है। नाउ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बस्टर्ड क्या होते हैं, बस्टर्ड लार्ज टेरेस्ट्रियल बर्ड्स, मतलब बड़ी बर्ड्स होती हैं, फाउंड इन ड्राई ग्रासलैंड्स एंड स्टीप रीजन्स, मतलब कि ये प्लेन रीजन्स में, थोड़े से स्टीप रीजन्स में पाए जाते हैं, और ड्राई ग्रासलैंड मतलब सूखी घास जहाँ होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। स्टीप रीजन्स होने चाहिए और ड्राई ग्रासलैंड होना चाहिए, ये याद रखना है, एग्जाम में इसी वे क्वेश्चन आएगा कि ड्राई ग्रासलैंड स्टीप रीजन, या फिर कुछ और दे देगा, प्लेन्स दे देगा कुछ और, मतलब इस तरह से अलग अलग वो देता रहेगा। तो उसमें से हमें ड्राई ग्रासलैंड एंड स्टीप रीजन पे टिक करना होगा। इसका वेट 15 kg के अराउंड होता है, अमंग हैवीएस्ट ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स, फ्लाइंग बर्ड्स में से हैवीएस्ट होती है। इससे बड़ी कौन सी बर्ड्स होती हैं, कोरी बस्टर्ड और ग्रेट बस्टर्ड इससे बड़ी बर्ड्स होती हैं। पहले 11 स्टेट्स में थी, नाउ अब ये 6 स्टेट्स में ही रह गई हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन सब एरियाज़ में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई जाती हैं। नाउ एडिटोरियल में एक छोटा सा और आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि NGO को मतलब कि महाराष्ट्र में क्या किया जा रहा था कि NGOs को ये काम दिया जा, सॉरी नॉट इन महाराष्ट्र, इट्स इन बेंगलुरु। बेंगलुरु में क्या किया जा रहा था कि NGOs को और कुछ चिल्लुम एजुकेशनल कल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट है, इनको काम सौंपा जा रहा था कि आप जा कर के लोगों के जो वोटर कार्ड्स हैं उनको बनाइए, चेक कीजिए, लोगों का सर्वे कीजिए। तो मतलब उनको ये अथॉरिटी दी जा रही थी वहाँ की बेंगलुरु सिविक बॉडी की तरफ से, लेकिन फिर उसको बाद में मना कर दिया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया कि हम आपको परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि NGOs ने कुछ नॉर्म्स जो थे उनको वायलेट किया था, कुछ रूल्स को ब्रेक किया था। फिर साथ ही साथ यहाँ पे एक और क्वेश्चन नज़र आता है कि ये लोग जब इतना डेटा कलेक्ट करेंगे, और ऑब्वियसली दे आर नॉट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते, तो फिर ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इस डेटा का मिसयूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल जनता का डेटा है, सिटीजन्स का डेटा है, तो इसे किसी और हाथ में हम सौंप नहीं सकते,
यहाँ डेटा थेफ्ट, डेटा प्राइवेसी की बात आ जाती है, और भी उनका पर्सनल डेटा होता है कि वो कितने लोग हैं, क्या नाम है, कैसे क्या, तो फिर इसका मिसयूज़ किया जा सकता है इजिली, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा हो या फिर प्राइवेट फर्म्स के द्वारा हो। सो यहाँ पे हमारा आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ख़त्म होता है, और इससे ज़्यादा कुछ खास बातें इस न्यूज़पेपर में आज की नहीं थी। थैंक यू वेरी मच।